यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वील स्टार्ट आवर लेक्चर. कॉन्टिन्यू, यस्टरडे आवर लास्ट टॉपिक वॉज चार्ज. तो चार्ज में हमने कंप्लीट कर लिया था कि उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी. चार्ज की मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, कंडक्शन, इंडक्शन, ठीक है, रबिंग. और फिर से वही 100% न्यूमेरिकल आएगा, ये आएगा, लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे और ए टू जेड एनसीईआरटी में से हमें न्यूमेरिकल्स करनी है. ये मैं बार बार तुम्हें इस चीज को दिखा रहा हूँ और बार बार इस चीज को याद रखेंगे. तो आज का थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, तो समझना इस पॉइंट को कि क्या है. ये तुम्हें आगे पूरी लाइफ में काम आएंगे. कुछ पॉइंट्स आज हम इसमें करेंगे, तो कुछ लॉजिकल पॉइंट्स करेंगे. बेसिक रीजंस होते हैं, हर चीज के पीछे रीजंस होते हैं. वो इस रीजन को, उस सेम रीजन को मैं इस पॉइंट में यूज कर रहा हूँ और भी कुछ पॉइंट्स में हम यूज करेंगे. मतलब वो बेसिक रीजन को समझना है तुम्हें, आज कॉन्सेप्ट्स को समझना है. आज तुम्हें यहाँ का टॉपिक नहीं समझना, आज कॉन्सेप्ट समझना है. तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स सी, देखते हैं. एक किस्म से रिवीजन है, क्योंकि कुछ क्लासेस में मैं इस पॉइंट तक करवा चुका था आई थिंक, और मेरे ख्याल से एक सेक्शन में नहीं हुआ था और एक दो सेक्शंस में इस पॉइंट तक हो भी चुका था. चलो ठीक है, उसे समझते हैं, डिटेल में समझते हैं, आज दोबारा से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फर्स्ट जो पॉइंट है बेटा, फर्स्ट पॉइंट में तुम्हें पहले कुछ रीजंस कंप्लीट करता हूँ, आज कुछ रीजंस बताता हूँ और उस चीज को बहुत ध्यान से समझना और पूरी लाइफ में याद रखना. सबसे पहला रीजन मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि अगर तुम कभी भी किसी भी चीज में फ्लो करवाना चाहते हो, किसी चीज को मूव करवाना चाहते हो, किसी भी चीज को. अब जैसे बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की, तो अंडरस्टूड सी बात है यहां पर मैं किसको फ्लो करवाऊंगा, तो बात है यहां फ्लो होंगे चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे हमारे. बेसिकली होल्स भी होते हैं बट अभी इलेक्ट्रॉन्स तक रहेंगे हम. तो बेसिकली यहां पर फ्लो होंगे क्या, चार्जेस फ्लो करेंगे, ठीक है. तो किसी भी चीज को फ्लो करवाना है, तुमने किसी बाइक को चलाना है, एक्टिवा को चलाना है, किसी बेंच को तुमने डिस्प्लेस करना है, और वाटर को फ्लो करवाना है, लाइट को फ्लो करवाना है, प्रेशर को, विंड को, किसी भी चीज को अगर हम फ्लो करवाएंगे तो एक ही फंडामेंटल लॉजिक लगाया जाएगा उसके पीछे साइंस का. और वो क्या लॉजिक होता है, देखो बेटा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन होना जरूरी है. मतलब फ्लो वहां पर होता है जहां पर इम्बैलेंस हो जाता है कुछ, जहां पर बैलेंस हो जाता है, जहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है. तो जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो वहां पर फ्लो होना बंद हो जाएगा. जब ये इम्बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम नहीं होता, तो इसका मतलब समझो, इसके पीछे का मतलब समझते हैं क्या होता है. इसका मतलब होता है कि उस टाइम पर नेट जो फोर्स है, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है. नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब वहां पर कुछ फोर्स है, और अगर फोर्स है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है और अगर तुमने उस पर फोर्स लगाया तो वो मूव करेगी चीज. समझ आया पॉइंट या नहीं आया? अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है और अगर तुम उस पर फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, फोर्स लगाने पे मूव करता है. और फोर्स लगाने का मतलब तुम्हारा नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है. और ये क्वांटिटी कब होती है हमारे पास, जीरो कब नहीं होता, जब ये दोनों बैलेंस नहीं होते. अगर ये दोनों बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम आने के बाद नेट फोर्स जीरो हो जाते हैं, और जब फोर्स जीरो हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट उसी टाइम बंद हो जाएगी. इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे. तो किसी भी रीजन में, मैं तुम्हें पहले फ्लो ऑफ चार्जेस पे नहीं लेकर आऊंगा, स्टार्टिंग में हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. मुझे वॉटर को फ्लो करवाना है, तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो वॉटर कब फ्लो करेगा, मेरे पास क्या है, मान लो ये एक ट्रे है, ठीक है, कोई एक ट्रे है या एक पाइप है, मान लेते हैं इस पाइप के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी है. वो पानी ना तो इस ओपनिंग में से बाहर आ रहा है, ना ही इस ओपनिंग में से बाहर आ रहा है, ठीक है. क्यों नहीं बाहर आ रहा, क्योंकि इस टाइम ये पाइप इक्विलिब्रियम में है. इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, कहीं पर भी कोई पॉइंट कम या ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है. मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को ऊपर उठा लेता हूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा हो गई है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई क्योंकि इसकी हाइट कम हो गई है. पढ़ा हुआ है ना कि ड्यू टू द हाइट पोटेंशियल एनर्जी इज क्रिएटेड इनसाइड द बॉडी. तो यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी हाई हो चुकी है, यहां पोटेंशियल एनर्जी लो हो चुकी है. अब वाटर हाई से लो की तरफ आएगा या लो से हाई की तरफ जाएगा, आंसर सब
सबको क्लियर है कि हाई से लो की तरफ आएगा, हाई से लो की तरफ आएगा। कब आएगा? जब तुमने उसके इक्विलिब्रियम को तोड़ दिया, तब फ्लो शुरू हुआ। तो डेट मीन जब भी इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है, एक पॉइंट हाई हो जाता है और एक लो हो जाता है, फ्लो स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है? बेसिक रीजन क्या है? वहां पर नेट फोर्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है। अगर नेट फोर्स इक्वल टू जीरो आएगा तब फ्लो नहीं होगा, तब फोर्सेज उस पर नहीं लग रहे होते। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो अब मुझे फोर्स लगाना होगा हाई और लो का ध्यान रखते हुए, कि मेरे पास एक पॉइंट हाई एनर्जी का होगा और एक पॉइंट मेरे पास लो एनर्जी का होगा। हाई एनर्जी का मतलब समझने की बात है बेटा, उस हाई एनर्जी को हम यहां पर, ये मैं लिख लेता हूं बेटा हाई एनर्जी, और यहां लिख देता हूं बेटा लो एनर्जी। हाई एनर्जी का मतलब समझना बेटा क्या होगा, हाई एनर्जी का एक पर्टिकुलर वर्ड अब तुम यूज करोगे, उसको बोलोगे पोटेंशियल। क्या बोलेंगे उसको? याद कर लो, पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल चाहे जीरो हो या फिर इससे कम होना चाहिए। अगर ये बराबर होंगे, दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे, दोनों तरफ एनर्जी इक्वल हो जाएगी, तो कभी भी फ्लो नहीं होगा, तो कभी भी फ्लो नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ ये? अब मैं तुम्हें पहले पोटेंशियल समझा देता हूं कि पोटेंशियल क्या होता है। तो हम पोटेंशियल की डेफिनेशन पे आ जाते हैं, पोटेंशियल पढ़ लेते हैं एक बारी, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोटेंशियल। पोटेंशियल को समझो बेटा, पोटेंशियल क्या है? तुम समझ चुके हो कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी है। पोटेंशियल क्या है? एनर्जी है। हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ की बात की जा रही है, लेकिन पोटेंशियल इज अ वर्ड, पोटेंशियल इज अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं, उसी में से ये पोटेंशियल वर्ड आया हुआ है। पावर बोल लो, पोटेंशियल बोल लो, तो दैट इज द पोटेंशियल। अब इसका मतलब देखते हैं क्या है। मेरे पास सपोज करते हैं मेरे पास यहां पर एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर। कंडक्टर में तुम वायर भी ले सकते हो, कोई मेटल का होना चाहिए, मतलब कि मेटल इसलिए बोल रहा हूँ, गुड कंडक्टर हो जाएगा। इंसुलेटर या बैड कंडक्टर मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, वो लेना भी नहीं है। कंडक्टर लेना है जिसमें चार्जेस तुम्हारे फ्लो कर सके। ऐसा ना हो तुमने प्लास्टिक, रबड़, वुड इस टाइप का कोई मटीरियल ले लिया, नहीं, उसमें चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, चार्जेस फ्लो करने के लिए तुम्हें कंडक्टर लेना, ले लिया। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक चार्ज रखा क्यू, चार्ज रखा क्यू। तो चार्ज है, चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन होगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी जो प्रीवियस क्लास उसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है तो वो खुद मूव नहीं करेगा, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जिसके पास, जिस ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव इटसेल्फ जब तक हम उस पर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अप्लाई ना कर दें। तो अब यहां पर मेरे पास ये चार्ज है, चार्ज के पास मास है, तो दैट चार्ज विल नॉट मूव इटसेल्फ इन दिस कंडक्टर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ऑन दिस चार्ज एफ। ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, फिर ये चार्ज ऐसे मूव करता हुआ आगे जाएगा। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है कंडक्टर का, ये एक तार है, कंडक्टर है, वायर है, इसके इस एंड से लेके इस एंड तक इस चार्ज को चलकर आना। ठीक है, चार्ज इज अ पार्टिकल, ये एक पार्टिकल होता है, ठीक है, और इसके पास मास होता है, पार्टिकल होता है और इसके पास मास होता है चार्ज के पास, इसको इस ए से बी तक चलकर आना है। तो तुमने इसको फोर्स दिया, पुश किया, इसको पुश किया, तो ये ऐसे चलकर यहां से चलकर यहां तक, मान लो इसका डिस्टेंस एस था, तो ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करके आ गया। तो और अब ये चार्ज मेरा यहाँ पे पहुंच जाता है फाइनली, मान लेते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो डेट मीन अगर मैं बात करता हूं, तो चार्ज को मैंने कैसे चलाया, चार्ज को मैंने फोर्स लगा के चलाया, ठीक है, और फोर्स को अगर मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मतलब मेरे पास वर्क हो गया, वर्क का मतलब मेरे पास एनर्जी आ गई। ये अब हम सब 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि अगर तुम फोर्स लगाते हो, देखो किसी भी बॉडी को, देखो यहां पर क्या है, न्यूटन्स का और वर्क का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। कैसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है? न्यूटन कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, हुए मास, तो उसको मूव करने के लिए यू हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन इट, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा तुम्हें उसको मूव करने के लिए। अब ऑब्जेक्ट को अगर तुम मूव करने के लिए फोर्स लगा रहे हो, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है, तो एक तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ खत्म हो गया कि हाँ मास है, मास को अगर मूव करना है तो फोर्स लगाओ, बस इतना था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। लेकिन अब हम उसको एप्लीकेशन में आ रहे हैं कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, वो ऑब्जेक्ट मूव हो गया,
तो इसका मतलब अब सेकंड उसमें नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचते हैं जो हमारा नाइन्थ में था वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और वो मूव हो जाता है तो डेट मीन्स यू आर डूइंग अ वर्क ऑन डेट ऑब्जेक्ट। क्यों? तुमने उस ऑब्जेक्ट को फोर्स दिया, एफ से फोर्स लगाया और वो मूव हो गया। तो अगर मूवमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है इन साइड द ऑब्जेक्ट ड्यू टू यूर अप्लाइड फोर्स, तो डेट मीन्स उन दोनों का तुम्हारे फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और वो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मतलब वर्क हो रहा है। तो उतनी अमाउंट का तुम वर्क कर रहे होते हो, जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लीकेशन है किसका, फोर्स का और तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट का, तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर है वही वर्क होगा। तो डेट मीन्स यू आर डूइंग अ वर्क ऑन डेट ऑब्जेक्ट, जो उन सा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उस पर तुम वर्क कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है कि न्यूटन कहता है कि जिसके पास मास है उसको मूव करने के लिए फोर्स लगाओ, और अगर हमारा एक वर्क वाला चैप्टर कहता है कि अगर तुमने फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट हो गई तो वर्क हो गया। और वर्क हुआ है किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो वर्क कहाँ जाएगा, क्या वो वर्क वेस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा? आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस ऑब्जेक्ट पे तुमने वर्क किया हुआ है, जिस पे तुमने फोर्स लगाया था और वो जो ऑब्जेक्ट मूव हुआ, वो तुम्हारा किया हुआ वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वो एनर्जी काइनेटिक हो सकती है, पोटेंशियल हो सकती है, साउंड एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन एक चीज को ध्यान रखेंगे अपने माइंड में, नाइन्थ क्लास का ही टॉपिक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो, किसी को पुश करते हो, फोर्स लगाते हो और वो मूव हो जाता है, दैट मीन्स यू आर डूइंग वर्क ऑन डेट ऑब्जेक्ट, तो तुम्हारा वर्क क्या होगा, स्टोर हो जाएगा उसी ऑब्जेक्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनी एनर्जी। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो अगर तुमने यहाँ पर चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया हुआ है और चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ड्यू टू योर अप्लाइड फोर्स, तो डेट मीन्स तुम्हारे अप्लाइड फोर्स को और अगर मैं डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे वर्क मिलेगा। और ये वर्क मैंने किस पे किया बेटा, चार्ज पे किया। और जिस चीज पर मैं वर्क करता हूँ, मेरा वर्क उसी ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसका मतलब चार्ज पे मैंने वर्क किया तो मेरा वर्क एक एनर्जी की फॉर्म में इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को मैं पोटेंशियल बोलूंगा। देखो आगे वहीं पर पहुंचे हैं हम, पोटेंशियल इज व्हाट एनर्जी। तो पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना पोटेंशियल बेटा, समझ आ रहा है? तो अगर थोड़ा सा किसी को डाउट है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिप्ले कर लीजिएगा। मैं हमेशा वीडियो थोड़ी शॉर्ट बना रहा हूँ कि लास्ट में तुम उसको रिप्ले जरूर करके देख सको। तो रिप्ले जरूर करना लास्ट टाइम और रिविजन टाइम में भी करना, तो टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। देखिए जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल है ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्क पब्लिक स्कूल, तो इसमें या वैसे भी जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं उनके अंदर तुम्हारे पास ये बहुत प्लस पॉइंट होता है कि हमने क्लास, जो तुम क्लास यहाँ पर लेक्चर अटेंड कर रहे हो थ्रू दिस वीडियो, इसका प्लस पॉइंट है कि तुम इसको रिप्ले कर सकते हो। और अगर हम वैसे बेसिकली क्लास में बैठे हैं, क्लासरूम लेक्चर्स चल रहे हैं, हम पीरियड लेके अपना चले गए, उसके बाद तुम रिप्ले नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम रिप्ले कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइम रिप्ले कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ टाइम करते रहो, एक दो बारी देखो और समझ जाओ चीज को, टाइम वेस्ट मत करो ना। तो कम टू द पोटेंशियल बेटा, अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया कि पोटेंशियल क्या है, एक किस्म से एनर्जी है। क्यों है एनर्जी? क्योंकि चार्ज को मूव करने के लिए तुमने उस पर फोर्स लगाया, ठीक है, और वो डिस्प्लेस हुआ, तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क हो गया। वर्क का मतलब है कि वो तुम्हारा वर्क इस चार्ज में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो पोटेंशियल का मतलब है तुमने वर्क किया है, किस पे किया है, तो तुम कहोगे हमने चार्ज पे किया है। तो पोटेंशियल इज व्हाट, पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि तुमने वर्क किया किस पे, चार्ज पे। तो पोटेंशियल को बेटा रिप्रेजेंट हम करते हैं वी से, कैपिटल वी से, स्मॉल वी वेलोसिटी का, वेलोसिटी के लिए होता है, बट हियर यू विल यूज कैपिटल वी फॉर पोटेंशियल। वर्क के लिए तुम वही W लोगे और चार्ज के लिए तुम Q लोगे। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, ठीक है। तो ये वर्क का मतलब क्या होगा बेटा, एनर्जी से, कि एक चार्ज पर यूनिट, एक चार्ज के पास कितनी एनर्जी है वही पोटेंशियल है। अब अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, ध्यान से फिर से देख लो एक बार, कि कितनी एनर्जी है एक चार्ज के पास, उसको क्या बोल रहे हो तुम, पोटेंशियल। अब मैंने तुम्हें क्या किया, एक बॉक्स दिया, मैंने तुम्हें ये पता लग गया कि एक चार्ज के पास एनर्जी है क्योंकि हमने चार्ज के ऊपर वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक बॉक्स दिया, मैंने कहा उसमें एक चार्ज रखो, तुमने रख दिया। फिर मैंने कहा उसमें दूसरा चार्ज रखो, तुमने दूसरा चार्ज रख दिया। हर चार्ज के पास एनर्जी है, फिर मैंने तीसरा दिया, तीसरा रख दिया। तुमने एक बॉक्स में बहुत सारे चार्जेस को स्टोर कर लिया,
हर चार्ज के पास एक एनर्जी है, तो इतने सारी तुमने स्टोरेज कर ली चार्जेस की, तो डेट में तुमने एक एनर्जी का स्टोरेज बना लिया, नंबर ऑफ चार्जेस उसके अंदर दबा दबा कर रख दिए और प्रेस कर करके कंप्रेस कर करके डाल दिए उसके अंदर चार्जेस। अब हर चार्ज के पास एनर्जी थी, उसके पास इतनी एनर्जी हो गई कि वो एक एनर्जी का स्टोरेज बन गया, एक टैंक बन गया एनर्जी का, ठीक है। उसकी एनर्जी बहुत हाई हो चुकी है, हाई लेवल की एनर्जी हो चुकी है, क्यों? उसमें तुमने बहुत सारे चार्जेस को कंप्रेस करके रखा हुआ है। और उस ऑब्जेक्ट को तुम, उस कंपोनेंट को तुम क्या बोलोगे? उस कंपोनेंट को हम यहां पर बोलेंगे बेटा सेल या फिर बैटरी। ये पॉइंट याद रखना, सेल या बैटरी का मतलब होगा उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस को कंप्रेस करके डाला गया है, और वो जो चार्जेस हैं, हर चार्जेस के पास एनर्जी होने के कारण उस बैटरी को तुम एक स्टोरेज टैंक, एनर्जी स्टोरेज टैंक भी याद कर सकते हो। इसके पास एनर्जी है, स्टोर हुई हुई है, बहुत बड़ी एनर्जी इसमें स्टोर हुई हुई है, तो इसको एक एनर्जी स्टोरेज टैंक भी हम बोल सकते हैं। तो डेट मीन बैटरी हमारे लिए एनर्जी का काम करेगी। और अभी हमने देखा कि एनर्जी को हमने इस चैप्टर के अंदर पोटेंशियल वर्ड दिया हुआ है, तो ये एक पोटेंशियल का काम करेगी बेटा। किसका काम करेगी बैटरी? पोटेंशियल का। तुम अपने न्यूमेरिकल्स में देखोगे, कुछ देखोगे, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे भी आ रहे हैं हम धीरे धीरे, कि हर पॉइंट में वहां पर उन्होंने लिख रखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस वर्ड जरूर लगता है कि पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो मैंने सिंपल बताया, सेल बैटरी के पास पोटेंशियल होता है, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताया, सिंपल बताया पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का मतलब वहां पर एक एनर्जी होती है उसके पास, कितनी एनर्जी होती है जो तुमने वर्क किया हुआ है, किस पे? चार्ज पे। तो ये एक सिंगल चार्ज की एनर्जी है, सिंगल चार्ज की एनर्जी, क्योंकि अगर तुम चार्ज यहाँ पर 1 कूलम कर दोगे तो वो जो चार्जेस हैं 1 कूलम में जो चार्जेस आएंगे तो उसमें जो एनर्जी होएगी वो वी होएगी। तो 1 कूलम में कितने चार्जेस आएंगे बेटा वो तुम जानते हो, अब पढ़ चुके हो ना 1 कूलम में, तो क्यू इज इक्वल टू व्हाट? एन ई। अगर चार्ज तुम्हारे पास 1 कूलम है तो एन ई कितना होता है बेटा? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो n कितने नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे? 1 / 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। ये हमें पता है कि इतने नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे हमारे 1 कूलम के पास। अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज ले लूं तो इन चार्जेस के पास जो एनर्जी होगी बेटा वो, उसको हम, उस एनर्जी को पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो व्यू स्टेम इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, मतलब वो एनर्जी ही है। देखो वर्क का मतलब एनर्जी है और वो पोटेंशियल है, तो वो एक सिमिलर पॉइंट्स है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 1 कूलम चार्ज को जब हमने मूव किया, क्यू को जब मूव किया, वर्क किया, तो वो जो वर्क था वही, जो एनर्जी थी वही पोटेंशियल था, ठीक है। तो वो अब जो एनर्जी है एक चार्ज के पास, हमारे 1 कूलम चार्ज के पास, मैंने एक बैटरी में बहुत सारे ऐसे ऐसे चार्जेस को दबा कर रखा हुआ है, तो बैटरी के पास बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, वो एक स्टोरेज टैंक बन चुका है हमारे चार्जेस का, उसका पोटेंशियल जिसे हम बोलते हैं, एक पोटेंशियल है हमारे पास बैटरी, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर आए हो कि तुम्हें पोटेंशियल क्लियर हो गया? हाँ, दूसरा अभी मैंने इसमें एक पॉइंट रह गया कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द पोटेंशियल? एसआई यूनिट, पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है बेटा वोल्ट, जिसको रिप्रेजेंट करोगे तुम कैपिटल वी से। एसआई यूनिट है इसका वोल्ट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल वी से, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल था। अभी बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, बात कर रहा हूं क्योंकि अब हम करंट पे आ रहे हैं। तो लेट्स सी, यस नो, करंट, पोटेंशियल हमने समझ लिया कि पोटेंशियल क्या है। अब माइंड में याद रखना बेटा, पोटेंशियल एक किस्म से एनर्जी है, कितनी की एनर्जी है, कितने चार्जेस की एनर्जी है, 1 कूलम चार्ज की एनर्जी, वर्क पोटेंशियल होता है।
तो अब हम करंट की बात कर रहे हैं, और करंट का मतलब होता है बेटा फ्लो ऑफ अ चार्ज। करंट का मतलब, करंट का अगर इंग्लिश डिक्शनरी में तो मतलब को भी अगर मीनिंग निकाल रहे हो तो वहां पे फ्लो आएगा, तो डेट इज द फ्लो। करंट का मतलब है फ्लो, किसका फ्लो है, चार्जेस का, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका कंप्लीट नेम होता है इलेक्ट्रिक करंट, चार्जेस का फ्लो। ठीक है, करंट स्टैंड्स फॉर फ्लो, इलेक्ट्रिक स्टैंड्स फॉर चार्जेस। तो चार्जेस का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब करंट फ्लो कब करता है बेटा, हमें पता होना चाहिए इस चीज को। हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो फ्लो होगा बेटा करंट का, वो कंडक्टर में होगा। किस में होगा, कंडक्टर में। मेटल हमारे को चाहिए होते हैं 99.9%, तो कंडक्टर मतलब कोई मेटल होना चाहिए हमारे पास अगर इसका फ्लो करवाना है। अब मैं यहां पर एक वायर ले लेता हूं, ये मैंने एक वायर ले ली बेटा। अब इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम सबने पढ़ रखा है। ऐसा होता है या नहीं होता बताओ। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ये पड़े हुए हैं। ठीक है, ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये एक वायर है। और अगर मैं किसी तरह इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा दूं, चला दूं, तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। इस वायर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर करंट आ जाएगा। अगर मैं इसे हाथ लगाऊंगा तब मुझे करंट फील होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, ऐसे नहीं कोई इधर जा रहा कोई वापस आ रहा है, नहीं, सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। उस टाइम पे अगर मैं इस वायर को टच करूंगा, देन आई विल फील करंट इन दिस वायर। और अब उन पॉइंट है कि इसको चलाएं कैसे, फ्लो कैसे करवाएं, वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। फ्लो करवाने के लिए अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था क्या, कि नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कुछ ना कुछ फोर्स होना चाहिए। क्यों फोर्स क्यों चाहिए फ्लो करवाने के लिए? फ्लो का मतलब होता है बेटा मोशन, मूव करवाना है तुमने, ठीक है ना, मूव करवाना है। और ऐसी चीज को मूव करवाना है जिसके पास मास है। मास है तो तुम्हें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जब फोर्स इक्वल जीरो नहीं होगा तब ये मूव करेंगे। तो मूव कराने के लिए मतलब अब तुम समझ गए हो कि यहां पर तुम्हें कुछ हाई एनर्जी करनी पड़ेगी, मतलब हाई पोटेंशियल देना पड़ेगा। और यहां पर तुम समझ गए हो कि तुम्हें लो पोटेंशियल करना पड़ेगा, लो एनर्जी करनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर हो गया? ये मान लेते हैं हमारे पास ए पॉइंट है, और ये मान लेते हैं हमारे पास बी पॉइंट है। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, हाई एनर्जी मतलब हाई पोटेंशियल, ये पोटेंशियल वर्ड को याद रखेंगे। अब मैं बता चुका हूं तुम्हें ये हाई और लो क्यों करवाया, क्योंकि मुझे क्या करवाना है बेटा, फ्लो करवाना है। अगर मैं हाई और लो नहीं करूंगा तो ये फ्लो भी नहीं होगा। अगर मैं दोनों का पोटेंशियल, इस ए का और बी का पोटेंशियल सेम कर दूंगा, दोनों की पावर सेम कर दूं, दोनों में एनर्जी सेम कर दूं, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो अगर इनको फ्लो होना है तो डेट मीन्स तुम्हें यहां पर नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो करना है, इसके अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करना, थोड़ा सा ये इम्बेलेंस रहना चाहिए। ठीक है, इतना पॉइंट सबको क्लियर आया हो। अब मुझे ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाने हैं, करवा देते हैं। कैसे करवा देते हैं, देखो इस पोटेंशियल में, अभी अभी मैंने तुम्हें यहां पर एक चीज लिख कर दी थी ना, स्टोरेज टैंक लगा दो, कि जिसका पोटेंशियल हाई है। अब हाई पोटेंशियल किसका कर सकते हैं, कि किसके पास एनर्जी है, तो हम कहेंगे बैटरी या सेल के पास बहुत एनर्जी है, तो उसको यहां पर टच कर दो, यहां पे उसका कनेक्शन जोड़ दो, तो यहां पर उसका पोटेंशियल हाई हो जाएगा बैटरी के कारण, क्योंकि बैटरी के पास बहुत सारी एनर्जी होती है, तो यहाँ पर हाई एनर्जी हो जाएगी। और यहाँ पर बैटरी मत लगाओ, ठीक है, तो यहाँ पर लो एनर्जी रहेगी, तो ये चार्जेस ऐसे चलने लगेंगे, हाई से लो की तरफ भागने लग जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट, कि करंट हमारा कैसे चलता है, हाई टू लो चलता है, ए से बी पे चलता है। पोटेंशियल है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करा था हमने वी से, तो मान लेते हैं कि इस ए पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए, बी पॉइंट में पोटेंशियल है वी बी। ये जीरो भी हो सकता है तब भी ये लो हो जाएगा, ठीक है, ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा, इधर करंट फ्लो करने लगेगा। अब मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारे पास वी ए और वी बी दोनों पोटेंशियल इक्वल हैं, मतलब दोनों की एनर्जीज इक्वल हैं, तो क्या करंट फ्लो करेगा इस तार में, इस वायर में करंट होगा, मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे? तो आंसर है नहीं, करंट नहीं होगा। पॉइंट समझना, ठीक है। और मैं कहता हूं कि ये फर्स्ट केस था, सेकेंड केस में तुम्हारा पोटेंशियल ए ज्यादा है
किस से? बी से। ए पर हाई पोटेंशियल है, बी पर लो पोटेंशियल है, तो क्या करंट होगा? तो तुम्हारा आंसर है यस, करंट तो होगा। फिर मैं पूछूंगा डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन कहोगे तुम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन होगी ए टू बी, ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि ए हाई है और बी लो है, ए से बी की तरफ जाएगा। और अगर मैं यहां पर कहता हूं कि वी बी हाई पोटेंशियल है, वी ए लो पोटेंशियल है, तो क्या करंट होगा? तो आंसर है यस, करंट अब भी होगा। फिर मैं पूछता हूँ डायरेक्शन बताओ, तो तुम कहोगे इसका मतलब अब बैटरी हमारी बी पे लग गई है, बी वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल बन गया, तो हाई से लो की तरफ पोटेंशियल होगा तो वहां पे करंट होगा, तो अब करंट तुम्हारा चलेगा बी से ए, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे हाई टू लो, मतलब हमेशा हाई टू लो फ्लो करेंगे। तुम चेक कर लो कि कहां पे हाई टू लो है, तो फ्लो होगा, फ्लो होगा तो करंट होगा, और अगर पोटेंशियल सेम है दो पॉइंट्स के बीच में तो वहां पर करंट नहीं होगा। ये तुम्हें याद करना है, ये तुम्हें समझना है अच्छे से, और मैं इसे अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा बेस बहुत क्लियर हो जाए, ठीक है। और मैं ये बता चुका हूँ तुम्हें, पोटेंशियल एक हमारे पास एनर्जी होती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। क्लियर है बेटा? यहाँ तक करंट समझ आ चुका है तुम्हें, करंट क्या है? ये चार्जेस का चलना, फ्लो करना। अब उसके बाद मैं कहता हूं कि इनकी जो करंट की चार्जेस की स्पीड है, देखना ध्यान से देखना, एक पॉइंट बता रहा हूं। मान लो ये ऐसे मैंने कुछ अपने हाथ पे कुछ बॉल्स रखी हुई हैं, ठीक है, स्टोन बॉल्स रखी हुई हैं, कुछ भी है। अब मेरे पास ये जो मेरा सरफेस है, जो हैंड है, इसका जो सरफेस है ये बिल्कुल ऐसे है, इस टाइम कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों पॉइंट्स पर एनर्जी सेम है। इस पे रखे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कोई भी फ्लो नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी। मैं हल्का सा हाथ ऐसे करता हूँ, फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वो धीरे 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 करके सारे मेरे हाथ से नीचे गिर जाएंगे, जो भी मैंने इसके ऊपर बॉल्स रखी हुई हैं सारी नीचे गिर जाएंगी। मैं क्या करता हूँ, इसको और टिल्ट कर देता हूँ, उनकी स्पीड फास्ट हो जाएगी गिरने की, और टिल्ट कर देता एकदम गिर जाएंगे। मतलब क्या हुआ, ऐसे देखो ध्यान से, अब ऐसे है अगर तो उनकी स्पीड जीरो है, वो फ्लो नहीं कर रहे, थोड़ा सा टिल्ट किया फ्लो करना शुरू हो गया, स्पीड है लेकिन कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं किया मैंने, थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है, पोटेंशियल का डिफरेंस कह सकते हो, और हाई कर दिया, ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा मेंटेन हो गया, ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस मेंटेन हो गया, तो उनकी फ्लो करने की स्पीड बढ़ जाएगी और वो जल्दी हाथ से नीचे गिर जाएंगी। और अगर मैं टिल्ट कर दूंगा तो मतलब और मेरे पास एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हो चुका है, पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा हो चुका है, स्पीड और फास्ट हो जाएगी, वो एकदम से नीचे गिर जाएंगी। तो डेट मीन्स अगर तुम्हें इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड तेज करनी है, फास्ट करनी है, मतलब इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी अमाउंट को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो इन चार्जेस का फ्लो फास्ट कर दो। समझना पॉइंट को, अगर ये चार्जेस का फ्लो फास्ट करोगे तो इस वायर में करंट फास्ट हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और अगर ये चार्जेस का फ्लो धीरे धीरे होगा तो वायर में करंट कम होगा। सिंपल पॉइंट है। तो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि फ्लो को ज्यादा कैसे कर सकते हैं, ये एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा मेंटेन कर दो, मतलब ये एनर्जी और हाई कर दो, इसको और लो कर दो, जितना ये स्लोप ऐसे बढ़ाते चले जाओगे, ऐसे टिल्ट करते चले जाओगे, ये एक सिंपल स्लोप है, फिर ये एक स्लोप आया, फिर ये एक स्लोप आया, फिर एक ये स्लोप आया, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते चले जाओगे, इस पे स्पीड जीरो होएगी, फिर इस पे कुछ स्पीड होएगी, इस पे और तेज होएगी, इस पे बहुत तेज होएगी, एकदम से नीचे आएंगे। तो जैसे जैसे तुम ये एनर्जी का डिफरेंस मेंटेन करते चले जाओगे, वैसे वैसे ही तुम्हारी इनकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, मतलब इसके अंदर करंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो करंट का मतलब सिंपल सा याद रखो ना, फ्लो ऑफ चार्जेस, और फ्लो कैसे करवा सकते हैं हम, एनर्जी डिफरेंस मेंटेन करके करवा सकते हैं। अगर ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस मेंटेन कर लोगे तो जो फ्लो है वो फास्ट हो जाएगा, मतलब चार्जेस बहुत फास्ट मूव करने लग जाएंगे। और लेकिन मूवमेंट की अगर डायरेक्शन की बात करें तो कहां पर होगी, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए ऑलवेज, सिर्फ इसी में नहीं हर चीज के लिए, हाई टू लो, कि वो कहां पे मूव करेगा, हाई से लो की तरफ मूव करेगा। वेरी गुड, ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। तो बस इसी को देखते हुए मैं यहाँ पे करंट की डेफिनेशन बना देता हूं कि करंट की डेफिनेशन क्या है, देखते हैं। करंट को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा आई से, आई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आई भी लिख सकते हो, स्मॉल आई लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये करंट का मतलब है चार्जेस का फ्लो होना, मतलब स्पीड ऑफ चार्जेस। अभी मैंने कहा ना कि अगर फास्ट मूव करेंगे तो यहां पर क्या होगा, करंट ज्यादा हो जाएगा, करंट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी इनसाइड दिस कंडक्टर, इनसाइड दिस वायर,
और अगर स्पीड कम हो जाएगी तो इन इसके करंट की इंटेंसिटी लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब कि चार्जेस की स्पीड क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, कि एक सेकेंड में कितने चार्ज क्रॉस करते हैं। अगर मान लो यहां पर एक सेकेंड में 20 चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं तो करंट उसके अकॉर्डिंग आएगा 20, नीचे 1 सेकेंड कर दिया मैंने, ठीक है। और अगर मान लो यहां पर एक सेकेंड में 20 से ज्यादा 50 चार्जेस क्रॉस करते हैं तो करंट आ जाएगा 50/1, 1 सेकेंड ले रहा हूं मैं। पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर मैं कहता हूं आई इज इक्वल टू 20/1 सेकेंड तो आई कितना हो गया 20, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आई इज इक्वल टू 50/1 सेकेंड तो आई कितना हो गया 50, किसमें ज्यादा हो गया, इसमें ज्यादा हो गया ना। दैट इज व्हाट, दैट इज द स्पीड ऑफ द चार्ज, कि एक सेकंड में 50 चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं, मतलब फास्ट फास्ट मूव कर रहे होंगे बहुत। यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, ढलान जो बनाई होगी, जो स्लोप बनाया होगा वो बहुत शार्प बन गया होगा, कि एनर्जी एक तरफ ज्यादा हो गई होगी, एक तरफ एनर्जी कम हो गई होगी, काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया होगा, उनकी स्पीड बढ़ गई होगी, ठीक है। और यहाँ पर 20 क्रॉस कर रहे हैं एक सेकंड में, मतलब यहाँ पर थोड़ी स्पीड कम है, एनर्जी डिफरेंस कम होगा। तो समझ, मुझे ये बताओ इनमें से किस में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। अब देखो मैं डिफरेंस वर्ड लगा रहा हूं यहां पर, अगर जब तक तुम डिफरेंस मेंटेन नहीं करोगे पोटेंशियल्स में तब तक फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये डिफरेंस वर्ड अब समझ आया क्या होता है? ये तो सिंपल पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल, लेकिन इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेक करोगे? वो चेक करोगे वी ए माइनस वी बी करके, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट क्लियर हो गया? और अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर जितना बड़ा आएगा उतनी स्पीड ज्यादा होएगी, ठीक है। मतलब वी ए बहुत बड़ा है, वी बी बहुत छोटा है, आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा, डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो मुझे बताओ इन दोनों में से किसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, 20 वाले का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा या 50 वाले का? तो आंसर है 50 वाले का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें हाई वैल्यू होगी और लो वैल्यू ज्यादा होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा, उनका अंतर ज्यादा होगा उन दोनों के बीच में, ठीक है। समझ आ रहा है? तो हमेशा जो भी फ्लो होगा चार्जेस का वो क्यों होगा? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो होगा। जब तक तुम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे पाओगे दोनों एंड्स के ऊपर, वायर के कंडक्टर के दोनों एंड्स पर, दोनों एंड्स पर डिफरेंट पोटेंशियल नहीं बना पाओगे तब तक फ्लो नहीं होगा करंट का। इस एंड पर और इस एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो फ्लो होगा। अगर डिफरेंट ज्यादा है तो फ्लो ज्यादा फास्ट हो जाएगा, अगर डिफरेंस कम है तो फ्लो थोड़ा स्लो हो जाएगा, और अगर इक्वल पोटेंशियल है तो फ्लो होगा ही नहीं। इन पॉइंट्स को याद रखो। करंट की डेफिनेशन आ चुकी है बेटा, यहां पर ये फॉर्मूला आ चुका है करंट का, चार्ज पर यूनिट टाइम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं करंट को स्पीड ऑफ द चार्ज, ये एक चार्ज की स्पीड है, और इसका एसआई यूनिट होता है बेटा एम्पियर, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। ये हमारा करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इसके ऊपर बेटा तुम्हारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये फॉर्मूलाज याद करने हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो करंट का फॉर्मूला तुम्हें मिल चुका है और आज पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम्हें मिल चुका है।